हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे जावा ने बॉबर 42 का एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है ब्लैक मिरर और इसकी जो प्राइस है ये 2.25 लाख एक शोरूम है। सामने आप देख सकते हैं ये वाला जो मॉडल है ये ब्लैक मिरर है और दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है ये मॉडल। पहले के मॉडल के कंपेरिजन में इसकी प्राइस 10 से 12 हज़ार रुपये ज़्यादा है। चेंजेस की यहाँ पे बात करें तो बाइक में वैसे ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसका जो डिज़ाइन है वो आइडेंटिकल है इसके पुराने वाले मॉडल की तरह। इस बाइक में भी आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे और ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेंगे। पहले का जो मॉडल आता था उसमें आपको स्पोक वाले व्हील देखने के लिए मिलते थे और ट्यूब टाइप टायर देखने के लिए मिलता था। सेकेंड चेंज की यहाँ पे बात करें तो इसमें इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और तीसरा जो चेंज है वो इसका कलर है, कलर इसका भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो दोनों बाइक्स का आप सामने डिज़ाइन देख सकते हैं, लुक्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये वाला जो मॉडल है ये नया वाला मॉडल है और इसमें जो मेजर चेंज है वही कलर का ही जो चेंज है वो मैंने आपको बताया वही है और इसमें भी सिंगल सीट ही मिलती है जैसा पहले आपको मिलती थी। और दूसरी वाली गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो मॉडल है ये पुराना मॉडल है, इसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसे नई वाली है, वैसा ही आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। कलर थोड़ा आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पर जो है स्पोक्स वाले व्हील देखने के लिए मिलते हैं। इंजन के चेंजेस की यहाँ पे बात करें तो थ्रॉटल बॉडी का जो साइज़ है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें 33 mm का साइज़ मिलता था, अभी 38 mm का मिलता है। आइडलिंग RPM को भी कम कर दिया है, पहले इसमें 1500 का RPM मिलता था, अभी इसमें 1300 का RPM देखने के लिए मिलता है। बाकी दूसरे चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको अपडेटेड फ्यूल मैप मिलता है और रीडिज़ाइंड गियर एंड इंजन कवर्स मिलते हैं। इंजन की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको वही पुराना इंजन देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 334 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DUHC इंजन देखने के लिए मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 29.92 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 32.74 Nm का है। इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 100x90 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है, ये 18 इंच के व्हील माउंट है। पीछे का जो टायर है ये 140x70 सेक्शन का है, ये 17 इंच के व्हील माउंट है। ब्रेक्स की यहाँ पे बात करें तो इसमें 280 mm का फ्रंट डिस्क और पीछे की तरफ 240 mm का डिस्क मिलता है विद डुअल चैनल ABS। तो चलाते हैं जावा बॉबर 42। तो इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो ठीक ठाक है, आई वुड से इट्स नॉट अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, या फिर आप होंडा 350 RS से कंपेयर करें तो वैसा आपको इंजन रिफाइनमेंट नहीं मिलता। बट गाड़ी का जो सिटिंग कंफर्ट है वो ठीक ठाक है, सिंगल सीट का ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, कंपनी की तरफ से आपको जो है डुअल सीट नहीं मिलती है। अगर आपको इस बाइक में डुअल सीट लगानी है तो आपको जो है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ में सीट लगा सकते हैं, इसमें आपको वैसे कंपनी की तरफ से कोई भी डुअल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इंजन की यहाँ पे बात करें तो इसमें 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DUHC इंजन देखने के लिए मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है ये। और पावर आप देखेंगे तो ठीक ठाक पावर मिल जाती है, 30 PS की पावर है और 32.75 Nm का टॉर्क है। बट यहाँ पे मैं इंजन रिफाइनमेंट की बात करूँ तो उतना मुझे बढ़िया लगा नहीं इंजन रिफाइनमेंट। और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन भी है, अराउंड 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी आप देखेंगे तो वाइब्रेशन बहुत आ जाते हैं। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, लंबी राइड पर भी जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीट का जो हाइट है वो 740 mm का है, तो अगर आपकी हाइट 5 के करीब भी हो तब भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। बाकी हीट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है नीचे, जो आप यहाँ पे देखेंगे फुट स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे हीट ज़्यादा फील होता है। और यहाँ पे जो आपको USB चार्जिंग पोर्ट और टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट दोनों मिल जाते हैं, तो लंबी राइड पे आप जाएंगे तो आपको आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये वाला जो मॉडल है ये इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं और इसका जो कलर है ये वाइट कलर है,
इसकी जो प्राइस है ये 2.54 लाख से शुरू होकर 2.60 लाख ऑन रोड वडोदरा गुजरात जाती है, जबकि जो ब्लैक मिरर एडिशन है वो 2.69 लाख ऑन रोड वडोदरा गुजरात है। और यहाँ पे हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग भी थोड़ी सी जो बोलेंगे आप आगे की तरफ है, थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेस सा लगता है हाथों में, उतना आई वुड से कि इट्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल कंपेयर टू जो अगर हम बुलेट से कंपेयर करें या फिर होंडा 350 आरएस से कंपेयर करें तो वहाँ पे जो है इसका जो कंफर्ट लेवल है इतना ज़्यादा नहीं है। एंड पावर पिकअप अच्छी है, आई वुड से इट्स नॉट पावर, द पिकअप इज़ वेरी मच ग्रेट क्योंकि अराउंड 32.75 Nm का पावर मिलता है। ब्रेकिंग की यहाँ पे बात करें तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है, तो ब्रेकिंग अच्छी है। फ्रंट में जो आपको छोटा डिस्क मिलता है 280mm का डिस्क मिलता है, पीछे आपको 240mm का डिस्क मिलता है। तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है, आई वुड से अगर बड़ा डिस्क मिल जाता आगे की तरफ अराउंड 300 या फिर 320mm का डिस्क मिलता तो काफ़ी बढ़िया आपको जो है ब्रेकिंग देखने के लिए मिलती, बट ठीक है जितना भी है सफिशिएंट है इस वाली बाइक। और जो बॉबर ब्लैक मिरर है उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको स्पोक वाले व्हील मिलते हैं, उसमें जो है आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो टायर है टायर का जो मतलब पंचर होने का चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं और उसको चेंज करना भी काफ़ी ईजी रहता है, उसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और गाड़ी की वजह से स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, चलाने में ठीक है, कंफर्ट सही है, अच्छा है कंफर्ट। और लाइट्स भी यहाँ पे आपको फुल एलईडी का सेटअप मिलता है तो लाइट की ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इसका जो इंजन का आरपीएम है बहुत बढ़ जाता है, जैसे आप थोड़ा गाड़ी चलाएंगे अराउंड 10-12-15 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे उसके बाद इस गाड़ी का जो आप देख सकते हैं थ्रॉटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थ्रॉटल बढ़ जाता है तो गाड़ी में जो है ओवरहीट होने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इवन दो ये लिक्विड कूल्ड इंजन है तो ज़्यादा गर्मी तो इसमें फील नहीं होगी, ज़्यादा ओवरहीटिंग के इश्यूज़ नहीं होंगे, बट स्टिल थोड़ा बहुत हीट मुझे जो है अपने पैरों की तरफ फील हो रहा है। और हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग आप देख सकते हैं हैंडलिंग तो अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है और गाड़ी जैसी जो है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होते हैं। इंजन रिफाइनमेंट आई वुड से इट्स नॉट ग्रेट गिवन द प्राइस पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख के करीब ये बाइक पड़ती है तो उसके हिसाब से तो इंजन रिफाइनमेंट उतना बेटर नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस ठीक है, गाड़ी चलने में ठीक है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। टायर्स इसमें आपको आई गेस 100/90 सेक्शन का मिलता है फ्रंट टायर और पीछे जो है आपको 140/70 सेक्शन का टायर मिलता है, तो टायर का विड्थ भी सही है तो स्टेबिलिटी वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलने में दोनों बाइक सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। ब्लैक मिरर बाइक में जो है आपको स्पोक वाले व्हील नहीं मिलते हैं, उसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं और उसमें कलर का डिफरेंस है, बाकी इसमें जो है आपको स्पोक व्हील मिलते हैं और जो है कलर एक डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, यही डिफरेंस है। तो यही सब जावा बॉबर 42 बाइक पर एक राइड रिव्यू था। तो मेरे दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।